इसी मेन न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे जो हम पहुंचे हुए हैं निवास पर, इरफान नादान मेंबर्स आपके यहाँ पर, और देखिए ये विकास पुरुष हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों कार्य ऐसे कराए हैं जो कि दूसरों के वार्ड में आते हैं और लोग यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। और देखिए मैं देखता हूँ कि जनता इनसे ज़्यादा प्रभावित रहती है। और देखिए ये ही बहुत बड़े ईमानदार और बिल्कुल बढ़िया, और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ उनसे, आप रूबरू पर आते हैं हम जी। मेंबर साहब जी, कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? दाखरेजी मेन न्यूज चैनल में आपका वेलकम है। और देखिए सर, मैं ये देखता हूँ कि अक्सर आपके वार्ड से अलग भी लोग यहाँ पर आते हैं काम के लिए, जैसे आधार कार्ड हो या किसी भी चीज़ के लिए कार्ड को लेकर के, तो आप उनके कार्य में लग जाते हैं और आप लगन निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं। इसका मुझे आप पर बहुत बड़ा गर्व है और बहुत बड़ा नाज है, और ऐसे विकास पुरुष को मेरा सैल्यूट है। सर आप क्या चाहेंगे, अगली बार भी अगर आपको चांस मिला, जनता ने आपको फिर से चुना, तो क्या करना चाहेंगे अब ऐसे में? जैसे कि देखिए लॉकडाउन से लेकर अब तक और कोरोना काल ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग और किसान और मजदूर को बुरी तरह से परेशानी हुई है, और किसान पूरी तरह से हौसले पस्त हो गए हैं मजदूरों के। ऐसे में आपने बहुत राहत पहुँचाई है, मुझे ये मालूम है, और आप देखिए गोपनीय ही ढंग से लोगों की मदद और सहायता करते हैं, और आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और आप विकास पुरुष हैं। कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी, मेरी ये गोपनीयता की ही वजह है, जो लोगों को मैं सहायता पहुंचाता था जी, उसका ही ये परिणाम है जो लोगों ने धूप में खड़े होकर मुझे वोट दिया जी। मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया, ये बहुत बड़ा पद नहीं होता है असल में जी, लेकिन अगर आप छोटे से कलम से भी अगर किसी की मदद करना चाहें जी, तो बेहतर मदद कर सकते हैं। हाँ जी सर, देखिए मैं ये देखता हूँ कि नई बस्ती के अंदर वार्ड एक से लेकर 25 वार्ड के, मैं 200 वार्ड के अंदर ये देख चुका हूँ, और लोग मुझसे कहते हैं कि हम इरफान नादान जी के पास गए थे, उन्होंने हमारा काम करा कर दिया, लेकिन हमारे वार्ड के सभासद ने हमारी एक नहीं सुनी। तो देखिए मुझे उनसे भी ये कहना है कि आप अपने कार्य में लग जाएं, जो भी हैं और जो सभासद जिन्होंने चुना है, आपको जनता ने चुना है तो आप कार्य करना, देखिए आपको जनता ने चुना है तो आपको जनता का कार्य कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। सर मैं किसी लायक नहीं था, मैं बना मेंबर बना, लोगों ने मुझे धूम में खड़े को वोट दिया जी, और बहुत मेरे ऊपर जो हाथ है नगर चेयरमैन ठाकुर द्वारा हाजी लियाकत जी का जी, बहुत उन्होंने मुझे सहयोग करा, और सबसे जीतने के पहले ही मैंने तुरंत बिल्कुल जी, जीतने के बाद शपथ लेने के बाद सबसे पहले मैंने काम बांट के राशन कार्डों का निपटारा, जिनके कभी राशन कार्ड बने नहीं, जिन्होंने यही मालूम नहीं था कि राशन कार्ड होता क्या चीज है जी जी जी, बूढ़े से लेके बच्चे तक मैंने किसी का राशन कार्ड नहीं छोड़ा जी जी जी। आपने राशन कार्ड बहुत बनवाए, और देखिए आवास भी बनने की आपकी, मैं आपकी तारीफ से सुन चुका हूँ कि अनेकों आवास आपने दूसरों के वार्ड के अंदर बनवाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली और उसका गरीबों तक सही ढंग से जी पहुंचना जी, ये हमारा कर्तव्य भी है उनकी उनका पालन करना जी। और इस बीच एक कोरोना जो हमारे देश में फैला है उसने एक बहुत कम रीढ़ की हड्डी तोड़ी जी, जी। लेकिन हम बहुत मतलब मदद पहुंचाई लोगों को, हमने 50,000 रुपए के चावल बांटे, 12,000-13,000 रुपए के हमने मास्क सिलवाए, उन्हें बाढ़ में को अपने पूरे बाढ़ के अंदर बांटा, फिर हमने मतलब बहुत अंगूर की सहायता पहुँचाई, और मैंने अपने बाट के अंदर ऐसी 64 शादियाँ हुई जिन्हें मैंने सिलाई मशीन के लिए 1500-1500 रुपये दिलाए जी जी, ऐसी मेरी बहुत सहायता। फिर मैंने अभी फिर गमछा बांटा मैंने उसकी मास्क की जगह जी जी, हाँ तो मैंने उनकी बीमारी से वो बचे रहे, कोरोना से बचे रहे जी, इसके लिए हमने बहुत लोगों के। देखिए हमारे जो मेंबर साहब हैं उनका कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने देश में घेरा डाला, और देखिए उसमें इन्होंने मास्क भी बांटे और गमछे वगैरह भी बांटे हैं, और अपनी जानिब से अपने कोटे से अपने निस्वार्थ लोगों को मदद पहुंचाइए। मैंने 1500-1500 रुपए की सिलाई मशीन के जी जी मदद पहुंचाइए, सिलाई मशीन देकर भी मदद पहुंचाइए, और देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने अपने सहायता पहुंचाइए। और सर क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आदमी कोई भी किसी भी बात का सदस्य हो, मेरे को तो खैर चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने कह रखा है कि हर काम आप गरीब का करें और बेहतर तरीके से करें जी। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि कोई भी हो, चाहे वो मेंबर हो या आम आदमी हो जी, और जो इस लायक हो वो दूसरों की मदद करें जी, और बेहतर ढंग से ईमानदारी से काम करें। देखिए ये है हमारे वार्ड नंबर 19 के अवेलेबल सभासद इरफान नादान जी, और देखिए हमसे रूबरू थे, और देखिए मैं ऐसे सभासद हों या चेयरमैन हों, विधायक हों, एमपी हों,
उनका सैल्यूट करता हूँ जो अपने कार्यकाल में लगे रहते हैं और अपने कार्यकाल में लोगों को, जनता को कहीं ना कहीं राहत पहुँचा रहे हैं, और जो जनता पर ध्यान नहीं देते, तो मैं विशेष करके कहता हूँ कि उन्हें भी इसको देख करके सीख सीखनी चाहिए और उन्हें थोड़ी बहुत मेरे भाई शर्म आनी चाहिए। सर क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और सर जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष है, नव वर्ष तो है, लेकिन सर थोड़ा सा ये दुख है कि हमारा जो किसान अन्नदाता, देश का अन्नदाता आज भूखमरी का शिकार है और हम कितने किसान मजदूर दम तोड़ दिए गए हैं, तो इस जगह हमारा जो नया साल है तो खुशहाल। मैं प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसानों की बात सुनी जाए जी, और MSP वापस ली जाए जी, किसानों के साथ होना चाहिए। और देखिए, किसान और मजदूर इस देश को चलाता है और किसान मजदूर इस देश की धरोहर है और किसान मजदूर की सुनवाई होनी चाहिए। वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल।